Hello friends. In this video, I am going to tell you how to write short story. This is one of the writing skill in your exam. So let us discuss without wasting our time. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इंट्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी आ स्टोरीज ऑन द रेशन और सेट ऑफ सेट ऑफ़ फिक्शंस इवेंट टू कन्वे अ मॉरल मैसेज हम स्टोरी क्यों राइट करते हैं फ्रेंड्स कोई भी एक मॉरल मैसेज लोगों को देने के लिए हम क्या करते हैं स्टोरी राइट करते हैं इसके फॉर्मेट में क्या होता है फॉर्मेट में सबसे पहले हम लेते हैं कॉन्टेक्स्ट जिसके मतलब जिसमें हम क्या करते हैं यूज फ्रेजिज लाइक जैसे वंस अपोन अ टाइम लॉन्ग लंगो ऐसे हम कुछ फ्रेजिज यूज़ करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द करैक्टर थ्रू डायलॉग और नरेशन हम अपने करैक्टर को कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं या तो डायलॉग यूज़ करते हैं या फिर क्या यूज़ करते हैं नरेशन प्लॉट हम कैसा लेते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट जिसमें हम इवेंट्स की डिस्क्रिप्शन देते हैं क्लाइमेक्स क्या होता है जब हमारी स्टोरी बिल्कुल एंड पे पहुंच जाती है टॉप पे पहुंच जाती है तो उसका हम स्टोरी का एंड कैसे करते हैं दैट इज़ अ क्लाइमेक्स मार्किंग स्कीम क्या होती है फ्रेंड स्टोरी में जो आपका टाइटल होता है टाइटल जो आप स्टोरी का हेडिंग देते हो उसके लिखने के आपको वन मार्क्स मिलता है और फाइव मार्क्स का क्या रहता है आपका कंटेंट रहता है फ्लेंसी आपकी टू मार्क्स की होती है एक्यूरेसी भी आपकी टू मार्क्स की होती है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि कुछ बच्चे जिनको हेडिंग ही समझ नहीं आता वो क्या करते हैं स्टोरी को छोड़ देते हैं अगर आप देखो अपने हिंट में से निकाल के ही एक न, मतलब दो तीन वर्ड्स राइट कर देते हो एज अ टाइटल वो आपका वन मार्क्स का होता है और जो आप कंटेंट राइट करते हो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग कि आप अकॉर्डिंग टू हिंट आप टाइटल राइट कर रहे हो तो उसके आपको कंटेंट के कितने मार्क्स होते हैं कंटेंट राइट कर रहे हो उसके कितने मार्क्स होते हैं फाइव मार्क्स फ्लेंसी एक्यूरेसी आपके डिपेंड करता है कि आप कितने की फ्लेंसी में चल रहे हो कितने का आपका एक्यूरेट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब वीक से वीक स्टूडेंट को वन वन मार्क्स तो यहाँ पे भी मिल ही जाता है तो मतलब मान के चलिए सेवन मार्क्स अगर आपने कंटेंट को वन एंड वन एंड हाफ पेज का लिखा है तो आपको सेवन मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं स्टोरी में सो so, इस टॉपिक को कभी भी राइटिंग पार्ट को छोड़ना नहीं चाहिए नेक्स्ट वट इज शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट स्टोरी असल में है क्या अ स्टोरी राइटिंग इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन और इमेजिनेशन ये फ़िक्शन और इमेजिनेशन का हमारा काम है इट मीन्स हम इसमें अपने माइंड में जो हमारे में आता है हम इसमें वो राइट करते हैं दैट इज़ यूजली रिटर इजिली अंडरस्टैंडेबल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ईजीली लैंग्वेज होती है उस ग्रामिकल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में हम इसको क्या करते हैं राइट करते हैं विद द नेचुरल फ़्लो ऑफ स्पीच हम इसको नेचुरल फ़्लो जो हमारा बोलने का तरीका है उसी फ्लो में हम इसको राइट करते हैं शॉर्ट स्टोरी इज अ मेन टू बी रीड एट द सिंगल सिटिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम इसको सिंगल सिटिंग में बैठ के ही पढ़ पाए देअर फॉर इट शुड बी एज डायरेक्ट ये डायरेक्ट होनी चाहिए ब्रीफ एज पॉसिबल और ब्रीफ भी होनी चाहिए जितना भी हम इसको पॉसिबल कर सकें टिपिकली शॉर्ट स्टोरी राइटिंग हैज फाइव एलिमेंट्स इसके फाइव एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट इज अ करेक्टर्स सेकेंड इज सेटिंग इसकी सेटिंग कैसे रखनी है प्लॉट इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है हमने कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि इसको करने में कौन कौन से एफर्ट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं और थीम स्टोरी की नेक्स्ट करैक्टर इज समवन और समथिंग करैक्टर क्या होता है वो समवन या वो पर्सन है या समथिंग है दैट एक पार्ट इन एक्शन जो एक्शन में पार्ट लेता है डिपिक्टेड इन द स्टोरी जो इस डिपिक्ट uh, uh, होता है शो करना जो शो करता है डिस्क्राइब करता है पूरी स्टोरी को इट कुड बी लिविंग पर्सन ये एक लिविंग पर्सन भी हो सकता है डेड पर्सन भी हो सकता है कोई मरा हुआ पर्सन अ अगोस्ट कोई भूत हो सकता है इमेजनरी करैक्टर हो सकता है जिसको हम सिर्फ अपने मन में ही मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है रोबोट हो सकता है कोई डॉग हो सकता है टॉय अनलिमिटेड लिस्ट या कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है मतलब जिसको हम मान के चलेंगे कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट वाइल्ड अटैम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑफ़ द स्टोरी राइटिंग जब आप स्टोरी राइटिंग के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो उस टाइम पे कैंडिडेट मस्ट कीप द फॉर्मेट ऑफ द स्टोरी इन माइंड मतलब आपको अपने माइंड में क्या रखना है स्टोरी का फॉर्मेट रखना है चेक द पॉइंट्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन योर स्टोरी पहले उन पॉइंट्स को चेक करो जो आपकी स्टोरी में मस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए फर्स्ट इज टाइटल जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया टाइटल का आपको कितने मार्क्स मिलते हैं वन मार्क्स कीप द टाइटल ऑफ योर स्टोरी आई कैचिंग इसको आई कैचिंग मतलब आंखों को एकदम छू देने वाला टाइटल लगाइए मेक श्योर दैट योर स्टोरी रॉल्स अराउंड द टाइटल ओनली ये चीज़ मतलब ध्यान में रखिए कि आपकी पूरी की पूरी स्टोरी है जो आपके टाइटल के आसपास ही घूमनी चाहिए मतलब आपका टॉपिक इधर से इधर नहीं होना चाहिए इंट्रापैरा में आ जाता है फ्रेंड्स द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी कैच द अटमोस्ट अटेंशन ऑफ द रीडर ये रीडर की अटेंशन को uh, मतलब क्या करती है बिगनिंग हम कैच करती है सो मेक श्योर टू यूज़ द कैची लाइन कैची लाइन्स को यूज़ कीजिए वाइल्ड इंट्रोड्यूसिंग अ स्टोरी जब आप स्टोरी को इंट्रोड्यूस करते हो यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्राम द लाइन्स आप लाइन से हेल्प ले सकते हो प्रोवाइड इन द क्वेश्चन पेपर जो आपको क्वेश्चन पेपर में हिंट मिलते हैं ना उन लाइन से आप हेल्प ले सकते हो एंड मेक आ स्टोरी आउट ऑफ इट आप इससे स्टोरी बना सकते हो फॉर इंस्टांस यू कैन यूज़ फ्रेजिज लाइक वंस अपन अ टाइम देअ यूज टू बी आप ऐसी फ्रेजिज को यूज़ कर सकते हो जो हमारे पास फ्रेंड्स को क्या करती हैं रिप्रजेंट करती हैं प्लॉट में क्या हो जाता है फ्रेंड्स प्लॉट एक्चुअली मीन्स योअर होल स्टोरी सो मेक्स श्योर योर प्लॉट प्लॉट सबसे पहले ये आपकी प्लॉट में क्या होता है पूरी की पूरी स्टोरी आपकी इसी के ऊपर बेस्ड होती है तो आप क्या करो पहले ये चेक कर लो कि आपका प्लॉट कैसे बनाएं उसके बाद ही आप क्या करो स्टोरी राइड करो गुड इंट्रोडक्शन ऑफ करेक्टर्स मेक श्योर यू इंक्लूड द वर्थी करैक्टर्स ऑफ योर स्टोरी अच्छे करैक्टर को ही अपनी स्टोरी में यूज़ कीजिए जो करैक्टर मस्ट भी इंक्लूडेड इन सच अ वे ऐसे तरीके से इनको इंक्लूड कीजिए दैट द इनहस गिवन मीनिंग ऑफ यूर स्टोरी जो आपके स्टोरी को मतलब मीनिंग को क्या करते हैं इन्हांस करते हैं कंक्लूजन में क्या आ जाता है फ्रेंड्स इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा द बेस्ट वे टू कंक्लूड ये स्टोरी इज़ टू एंड इट विद द मॉरल हम इसको क्या कर दें इसको मॉरल से इसका एंड कर दें इन दिस वे द रीडर विल गेट इम्पेक्टेड बाई अ स्टोरी इस तरीके से जो रीडर है आपकी स्टोरी का उसके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा समटाइम्स ओपनिंग एंड ऑल्सो लिवस एन इम्पैक्ट कुछ टाइम क्या होता है जो हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं ओपनिंग करते हैं उसी में ही हमें क्या होता है अच्छा हमारा इम्पैक्ट बढ़ जाता है ओन रीडर माइंड रीडर के माइंड भी सो इट इज़ टोटली ऑन यू ये सिर्फ आपके ही ऊपर है हाउ टू कंक्लूड यू स्टोरी कि अपनी स्टोरी को आप कैसे कंक्लूजन दे सकते हो स्टोरी स्टोरी इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग क्या होता है सॉरी ये फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है वेयर एन एक्स इंसिडेंट और एन एक्शन टेक प्लेस या तो कोई घटना या फिर कोई एक्शन क्या करता है टेक प्लेस होता है वहाँ पे अराउंड द करैक्टर करैक्टर के आसपास और स्टोरी इज़ बिल्ड आउट ऑफ इट इसी से आपकी क्या होती है स्टोरी बनती है द करैक्टर एंड द प्लॉट आर द क्रोसियस एलिमेंट करेक्टर और प्लॉट के बिना हमारी स्टोरी पॉसिबल नहीं है फॉर एग्जाम्पल अ स्टोरी अबाउट द ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी आप किसकी एग्जाम्पल ले सकते हो सम पॉइंट्स टू बी अवेयर वाइल्ड राइटिंग अ स्टोरीज आपको कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने होते हैं जब आप स्टोरी लिखते हो वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑन स्टोरी राइटिंग मेक श्योर दिस पॉइंट्स आर फॉलोड पहले जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो पहले इस चीज का ध्यान रखिए कि ये कुछ पॉइंट्स आपके फॉलो होने चाहिए लेस ज़्यादा कम से कम कैरेक्टर यूज कीजिए इंट्रोड्यूस लेस कैरेक्टर बट इंपैक्टफुल कैरेक्टर्स कैची फर्स्ट लाइन पहली लाइन को कैची बनाइए कैसे एल द एज ओल्ड फ्रेज स्ट्रेट्स फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन जैसे कि हमारी पुरानी कहावत है कि पहली पहला इंप्रेशन ही हमारा लास्ट इंप्रेशन होता है मेक श्योर योर फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टोरी इज़ कैची पहली लाइन आपकी कैची होनी चाहिए ग्रैफ्स द अटेंशन ऑफ द रीडर जो रीडर का ध्यान अपनी तरफ खींचे मॉरल ऑफ द स्टोरी में क्या जाता है फ्रेंड्स ई पॉसिबल कंक्लूड द मॉरल ऑफ द स्टोरी आप स्टोरी के मॉरल को अगर पॉसिबल है तो राइट कीजिए टू तो क्रिएट द इम्पैक्ट इम्पैक्ट दिखाने के लिए नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है शॉर्ट एंड क्रिप्स हमारी स्टोरी है जो शॉर्ट और क्रिप्स होनी चाहिए क्रिप्स हमको मिलते हैं जैसे कोई चीज़ पुरपुरी होती है गिरने मतलब खिंडने वाली ट्राई टू कीप य स्टोरी शॉर्ट एंड क्रिप्स टू द पॉइंट मतलब पॉइंट्स ऐसे यूज़ कीजिए कि आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा शॉर्ट लगे अवॉइड यूजिंग मैनी करेक्टर बहुत ज़्यादा करैक्टर्स को इसमें मत यूज़ कीजिए यूज़ सिंपल लैंग्वेज वाइल डिपिक्टिंग द स्टोरी जब आप स्टोरी राइट कर रहे हो डिपिक्ट होता है शो करना तो उसको शो करने के लिए सिर्फ सिंपल लैंग्वेज यूज़ कीजिए वाइल्ड राइटिंग द स्टोरी मेक श्योर टू नॉट यूज़ डिफिकल्ट और कम्प्लेक्स वर्ड्स ये ध्यान में रखिए कि डिफिकल्ट और कम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ ना करो यूज़ ईजी टू अंडरस्टेंड वर्ड्स ईजी और अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स का ही यूज़ करो द शॉर्ट स्टोरी मस्ट हैव अ फ्लो इसका फ्लो होना चाहिए एक प्रॉपर फ्लो में जिसके आप फ्लेंसी के मैंने आपको बताया आपको मार्क्स मिलते हैं इन अदर वर्ड्स द सेंटेंस इन द स्टोरी मस्ट बी इनर कनेक्टेड जो आपके सेंटेंस होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरनली क्या होने चाहिए जुड़े होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ प्लॉट वन कैन नॉट बी स्टार्ट राइटिंग अ स्टोरी पहला बात क्या है कि आ, अगर आपके पास प्लॉट है अगर आपने आप अपनी स्टोरी को स्टार्ट नहीं कर सकते हो यू शेड बी हैव अ क्लियर प्लॉट इन माइंड जब तक आपने माइंड में प्लॉट को सेट नहीं कर सकते हो नंबर ऑफ द करेक्टर एंड देयर टाइप इट इज़ फ्यू एंड द बेटर कि आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर कम होने चाहिए और बेटर होने चाहिए सेटिंग ऑफ द स्टोरी मेन टू द एरिया और प्लेस कि कौन सी सदी की स्टोरी है किस जगह पे आप उसको सेट कर रहे हो एंड द टाइम इन विच इज़ चेकिंग प्लेस की किस टाइम पे स्टोरी लिखी जा रही है आप बोल रहे हो द थीम ऑफ द इम्पोर्टेंट टू राइट द स्टोरी द बेस्ट थीम इज द थीम विच रिलेटेड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस बहुत सारे नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ जुड़ी होनी चाहिए ऐसी थीम को आप चूज कर सकते हो कॉन्फ्लिक शुड बी लेस बट इन मोर इंटेंस डू कंसाइडर वर्ड लिमिट वन फिफ्टी टू वन हंड्रेड वर्ड्स हैंस कीप इन शॉर्ट शॉर्ट में रखी है लेकिन इसके वर्ड लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड वर्ड्स में आप क्या करोगे स्टोरी को कंप्लीट करोगी नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसमें फ्रेंड्स मैंने अपनी तरफ से कुछ मतलब ऐड किया आपको समझाने के लिए कि जो हमारे वीकर स्टूडेंट होते हैं वो डर जाते हैं कि हमें स्टोरी का टाइटल ही नहीं समझ आया हेडिंग ही नहीं समझ आया तो हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप टाइटल लिख देते हो इसी हिंट में से निकाल के जो आपको हिंट मिलते हैं तो आपको वन मार्क्स मिलता है यहाँ पर देखिए आप हर एक स्टोरी की स्टार्टिंग कैसे करते हो वन सपोन अ टाइम या आप क्या लिख देते हो लॉन्ग एगो वाज़ आ मान लो आपको कोई हिंट मिला है तो आपको कुछ ना कुछ तो उसमें गिवन होता है ना कि वो कोई हार्ड वर्क करता है कोई आ, लड़का है कोई मैन है तो आप ये लाइन यूज़ करोगे देयर वाज़ आ आगे कुछ भी बता दोगे मैन वुमेन बॉय गर्ल जो भी आप राइट करना चाहते हो जो भी आपके हिंट में है या हर नेम वाज ये डिपेंड करता है वो मेल पर्सन है फीमेल पर्सन है कि उसका नेम क्या है ही और शी बिलोंग टू है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है या तो हम लिख देते हैं रिच क्लास फैमिली से पुअर क्लास फैमिली से या फिर अपर क्लास फैमिली से जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो ही और शी लिव्ड इन कहाँ पर रहता है वो विलेज में सिटी में टाउन में आप कुछ भी अपनी तरफ से टाइट कर सकते हो ही इज और हर एज बार नियर अबाउट उसकी एज कितनी है आप अपनी तरफ से कुछ बता सकते हो जिस टाइप का भी आपको हिंट में गिवन है ही जो हर फादर बाज फॉर एग्जाम्पल उसके फादर डॉक्टर हैं फार्मर हैं आप कुछ भी बता सकते हो ही जो हर मदर बाज उसकी मदर क्या काम करते हैं वो बता सकते हो ही और शी वाज़ वेरी कैस किस टाइप का पर्सन है ओनेस्टाइल डिसोनेस्ट है लोयल है किस टाइप का पर्सन है आप उसमें बता सकते हो मीन्स टू से ये कुछ लाइन्स हैं जिनको आप हर एक स्टोरी में एड कर सकते हो और थोड़ी अपनी स्टोरी की लेंथ बढ़ाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग इफ़ यू लाइक दिस Uh, you can press like button or share as much as possible thank you all